Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. Guys, newspaper जब भी आप पढ़ेंगे guys, English newspaper के किसी भी article में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको allegedly जरूर दिखाई देता है. क्या होता है ये allegedly? क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं? काफी लोग नहीं जानते हैं, तो आज का वीडियो उसके बारे में है. आइए देखते हैं दोस्तों. गाइज, allegedly लिखा होगा या कहीं पर अलीज लिखा होगा या अलीज्ड लिखा होगा. पहले हम allegedly के बारे में देखते हैं. allegedly एक एडवर्ब है. अब allegedly का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो यहां लिखा होता है कथित रूप से. लेकिन क्या है ये कथित रूप से, इसको समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं गाइज. allegedly का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि ए ने बी का कत्ल कर दिया, तो ऐसा उस पर अब इल्जाम लगा है कि भाई ए ने बी का कत्ल कर दिया, अब ये न्यूज़पेपर में प्रिंट होना है, पब्लिश होना है. तो अब न्यूज़पेपर वाले को कोई ऐसा सबूत तो मिला नहीं है, ऐसा कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं है कि ए ने वाकई बी का कत्ल कर दिया है. तो जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि सचमुच ए ने बी का कत्ल कर दिया है, तब तक आप उसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ए किल्ड बी. आपको अलीजली लगाना होगा. तो न्यूज़पेपर के भी कुछ गाइडलाइंस है, कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते जब तक कि अदालत में प्रूफ ना हो जाए. तो जब तक कोई भी इल्जाम जो कि लगा है किसी पर वो प्रूफ ना हो जाए, तब तक आपको न्यूज़पेपर में उसमें अलीजली या अलीज्ड जरूर आपको मिलेगा दोस्तों. तो अलीजली का जो सिचुएशन है वो है अनप्रूवन, यानी कि अभी प्रूव नहीं हुआ है. किसी ने किसी को छेड़ दिया, मोलेस्ट कर दिया, ये मैंने सुना, आपने सुना, प्रूव नहीं हुआ है. अदालत ने ये तो नहीं कहा कि हाँ इसने मोलेस्ट किया है. जब तक प्रूव नहीं होगा तो हम लिखेंगे जरूर कि उसने उसको मोलेस्ट किया, बट बीच में अलीजली होगा, यानी कि बीइंग एक्यूज्ड ऑफ, सिर्फ उस पर आरोप लग रहा है लेकिन साबित कुछ भी नहीं हुआ है. अ चार्ज विच इज येट टू बी प्रूवन, ऐसा चार्ज लगा है जो अभी भी प्रूव होना बाकी है, प्रूव नहीं हुआ है. तो जब तक कि प्रूफ ना हो जाए आप खबर छापेंगे लेकिन अलीजली लगाएंगे. तो न्यूज़पेपर वाले खबर छापते हैं, अलीजली लगाते हैं गाइज. अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर वाले ने बिल्कुल खुद ही फैसला कर दिया है कि हाँ भाई इसने इसका कत्ल कर दिया, इसने इसको छेड़ दिया. तो आप समझ रहे सिचुएशन. इसलिए आप कोई भी ऐसी खबर पढ़ते जहां कोई क्राइम होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं अलीजली जरूर मिलेगा दोस्तों. तो ये एडवर्ब के रूप में है, तो अलीजली का मतलब है कथित रूप से, यानी कि ऐसा कहा गया है, ऐसा पुलिस वाले का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा पड़ोसी का कहना है, इसलिए लिखते हैं अलीजली, लेकिन साबित कुछ भी नहीं हुआ है. कहीं कहीं पर ये वर्ब के रूप में आपको दिखाई देगा, अलीज दैट, ए अलीज्ड दैट, यानी कि ए ने ऐसा कहा. तो ऐसा कहा मतलब उसने आरोप लगाया, यानी कि उसने एक आरोप वाली बात रखी बिना सबूत के, क्योंकि सबूत का मतलब है कि अभी बिल्कुल क्लियर तो हुआ नहीं है. उसने जो सुना, उसने जो महसूस किया, उसने कह दिया, तो वहां अलीज का सेकेंड फॉर्म अलीज्ड होता है. तो ऐसे भी आपको दिखाई देगा दोस्तों. तो कुल मिलाकर अलीजली हो या अलीज हो, मतलब एक ही है कि इल्जाम लगा है किसी पर, जब तक वो साबित नहीं होगा तब तक आपको अलीजली का इस्तेमाल करना है. अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो न्यूज़पेपर में वाकई जो सेंटेंसेस आते हैं किस तरह के आते हैं. तो मैंने कुछ सेंटेंसेस न्यूज़पेपर से उठाए हैं दोस्तों, देखते हैं. यहां पर लिखा हुआ है, अ 20-year-old मैन हैज बीन अरेस्टेड, यानी कि एक 20 साल के आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है. किस लिए? अब यहां लिखा है फॉर, और फॉर के बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ अलीजली किलिंग हिज नेबर. अगर मैं ये अलीजली हटा दूं तो इसका मतलब होगा कि फॉर किलिंग हिज नेबर, यानी कि अपने पड़ोसी का कत्ल करने के लिए उसने कत्ल किया, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया है. तो अगर ये अलीजली ना हो तो पता है क्या हो जाएगा, मतलब कि एकदम ये साबित हो चुका है कि उसने अपने पड़ोसी का कत्ल किया है. लेकिन अलीजली लगाने से इतना पता चल गया कि अच्छा, ऐसा कहा गया है कि उसने पड़ोसी का कत्ल किया है, अब तक साबित नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर इल्जाम लगा है. तो इस अलीजली का इतना फायदा है दोस्तों, ये ना रहे तो ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर वाले ने फैसला कर लिया है कि हाँ उसी ने कत्ल किया है, साफ साफ छाप दिया है. तो ये इनका, न्यूज़पेपर वालों का अलीजली लिखना महा जरूरी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लिखना ही लिखना है दोस्तों. आपको जरूर मिला होगा या मिल जाएगा, देख लीजिएगा क्राइम वाली न्यूज में. तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अभी साबित नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगा है. एक और देखिए न्यूज़पेपर का, यह लिखा है कि अ 58-year-old दिल्ली पुलिस ऑफिसर डाइड, यानी कि 58 साल के दिल्ली पुलिस ऑफिसर मर गए, उनकी मृत्यु हो गई. कैसे? आफ्टर लिखा है, और आफ्टर के बाद यह है अलीजली
being attacked by a bootlegger. After, मैं allegedly अगर छोड़ देता हूं तो क्या मतलब होगा, after being attacked, अटैक होने के बाद उन पर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, अटैक किसके द्वारा हुआ, बाई अ बूट लेगर. बूट लेगर वो होता है जो गैर कानूनी शराब वगैरह का धंधा करता है, बेचता है, उसे बूट लेगर कहते हैं. तो यहां पर अलिजली लगा दिया गया कि भाई ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कहा गया है, अलिजली कथित रूप से, बयानित रूप से ऐसा सुनने में आया है कि बूट लेगर ने अटैक किया था, इसलिए अलिजली लगा दिया. जो भी क्राइम है उससे पहले अलिजली, क्यों, ऐसा न्यूज़पेपर वाले कह रहे कि भाई ये हम नहीं कह रहे, ये ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है सूत्रों से, इसलिए अलिजली. जब अदालत साबित कर देगा, प्रूव हो जाएगा, तो अलिजली नहीं होगा, डायरेक्ट होगा भाई उसने उसको मार दिया. एक और देखिए, द फैमिली हैड अलीज्ड. अब यहां वर्ब के रूप में काम आया है, फैमिली ने ऐसा कहा, ऐसा बताया, यानी कि उसने अपना बयान दिया. अलीज किया मतलब उसने ये बात रखी जो उसने सुना, समझा, सोचा, जो महसूस किया उसने रख दिया बिना सबूत के. तो वहां भी अलीज का इस्तेमाल होता है, सेकेंड फॉर्म अलीज्ड हो गया. फैमिली ने ऐसा कहा, अलीज किया ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को, दैट लेखा, यानी कि लेखा नाम की कोई महिला 55 ईयर ओल्ड एंड हर डॉटर, उसकी बेटी वैष्णवी 19 ईयर्स ओल्ड, हैड एंडेड देयर लाइव्स, दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया. तो ये बयान किसने दिया, ये बात किसने कही, फैमिली ने कही. तो अलीज इसलिए लिखा है कि फैमिली ने एक तरीके से ये एक बात कह रहे हैं ना कि दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, तो फैमिली की तरफ से ये आया है कि उन्होंने खुद जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन ये साबित तो नहीं हुआ ना कि उन्होंने खुद सुसाइड किया है, इसलिए यहां पर अलीज का नाम दिया गया, सेड का नाम नहीं दिया गया. तो वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल होगा. एक और देख लीजिए, यह है कि अ 22 ईयर ओल्ड ईटरी ऑनर, यानी कि ईटरी का मतलब होता है जहां खाना वाना वाला जो शॉप होता है उसे ईटरी कहते हैं. तो उस भोजनालय का जो ऑनर था, अलीजली किल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता का कत्ल कर दिया. कट हिज बॉडी इनटू अबाउट 20 पीसेस, लगभग 20 पीसेस में बॉडी को काट दिया. एंड स्टफ्ड देम इन प्लास्टिक बैग्स, और प्लास्टिक बैग्स में भर दिया. तो यहां पर देख रहे हैं, किल्ड से पहले लिखा है अलीजली, यानी कि ईटरी ऑनर ने अलीजली किल्ड हिज फादर. अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, ऐसा भी साबित नहीं हुआ है कि उसी ने कत्ल किया है, बट ऐसा सूत्रों से पता चला है, तो कथित रूप से ऐसा कहा गया है, इसलिए अलीजली किल्ड लगाया गया दोस्तों. तो इससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि न्यूज़पेपर में जब भी आपको अलीजली मिले या अलीज या अलीज्ड मिले, इसका मतलब यही है कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों से कहा, लोगों द्वारा कहा गया है, पुलिस ऑफिसर्स द्वारा कहा गया है, इंफॉर्मेशन आई है, प्रूवन नहीं है, बस यही होता है अलीजली. तो आई होप कि वीडियो आपके समझ में आया होगा. तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़े, क्राइम सीन पढ़े, तो जरूर आपको दिखाई देगा दोस्तों. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू गाइस.